कोरोना संक्रमण के दौर के बाद धीरे धीरे सभी सेक्टर में तेजी आ रही है, लेकिन स्कूल और शिक्षण संस्थान अब भी बंद की स्थिति में है। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने अब तक स्कूल और कॉलेजों को खोलने की इजाज़त नहीं दी है। इसके अलावा हजारों की संख्या में कोचिंग संस्थानों पर भी ताले लटके हैं, जिसका सीधा असर बुक डिपो और स्टेशनरी की दुकानों पर पड़ रहा है। साथ ही लाइब्रेरी में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। जब से कोरोना COVID-19 आया है, जो हमारा लाइब्रेरी आनंद समय वचनालय है, वो 13 मार्च से बंद है। पहले यहाँ लाइब्रेरी खुली थी तो बहुत पाठकगण लोग आते थे, सुबह शाम करके 20-25 लोग आते थे। और यहाँ ऐतिहासिक लाइब्रेरी है, जो कि बहुत पुरानी बुक्स है, उपन्यास हो गया, स्टोरी हो गया, कहानी, ये सब अच्छी अच्छी बुक्स है जो पाठकगण पढ़ते थे। लेकिन जब से कोरोना बंद है, तब से लाइब्रेरी बंद हो गया, तो पूरा रौनक खत्म हो गई है। राजधानी के बुक डिपो और स्टेशनरी संचालकों से ETV भारत ने बात की है। उन्होंने बताया कि दुकानों पर लोग बुक खरीदने कम ही आते हैं, बल्कि लोग घर में पड़ी पुरानी और रद्दी किताबों को बेचने के लिए स्टेशनरी पहुंच रहे हैं। कोरोना काल में स्टेशनरी व्यापार में 60% की गिरावट दर्ज की गई है। लाइब्रेरियां बंद है, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं बच्चे, किताब की दुकान भी खुली है, लेकिन दुकानों में भीड़ नहीं है। दुकानों में बहुत मजबूरी में ही आदमी आ रहा है, और दुकानों में खरीदने कम आ रहे हैं, बेचने बहुत आते हैं। अंकल पुरानी बुक लेते हो क्या, क्या चीज़ की है, वो PMT की है, PET की है, फलानी है। घर में जिसके जो कचरा है वो देख रहा है कि बेच भांज के ख़त्म किया जाए। स्कूल कॉलेज बंद होने से और कोविड की वजह से बिक्री में बहुत कमी आई है, और स्टेशनरी भी बहुत कम मात्रा में सेल हो रही है। स्कूल कॉलेज तो बंद होना भी ज़रूरी है, और इस वजह से 60% की गिरावट देखी जाएगी, 40% बस सेल हो पाई है। स्टेशनरी और बुक डिपो के संचालकों ने बताया कि PSC, UPSC और असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती परीक्षाओं के लिए कुछ लोग बुक जरूर खरीद रहे हैं, लेकिन सामान्य दिनों की तुलना में इन किताबों की खरीदी काफ़ी कम है। कोविड-19 के चलते तो अभी बिक्री जो है बहुत गिरी है, 50-60% की गिरावट हुई है। थोड़ा तो उसमें चेंज आया है, पहले से थोड़ी बड़ी है कॉम्पिटिटिव बुक्स की, क्योंकि बहुत टाइम लॉकडाउन भी था और ये सब लोग घर में थे, तो शायद लोग कंपटीशन में फोकस भी ज़्यादा करने लगे हैं, तो कंपटीशन बुक्स की थोड़ी बिक्री बढ़ी है पहले से। स्टेशनरी और बुक डिपो के संचालक सिर्फ और सिर्फ इसी इंतजार में बैठे हैं कि कब सरकार स्कूल कॉलेजों को खोलने की इजाज़त देगी, ताकि स्टेशनरी और बुक डिपो में लोग खरीदारी करने पहुँचे, जिससे इनके नुकसान की भरपाई हो सके और व्यापार भी सामान्य दिनों की तरह दोबारा पटरी पर लौट सके। रितेश तंबोली की रिपोर्ट ETV भारत, रायपुर।